गमी इफेक्ट हो रहा है और असर पड़ रहा है उसमें हमारी पार्टी की जो हमारे नेता हैं और अध्यक्ष हैं संसदीय दल की सुश्री कुमारी मायावती जी बहन कुमारी मायावती जी को बोलने की आप इजाजत दे दीजिए और इसमें सूच में आपके सामने बात रखना चाहते हैं। थैंक यू प्लीज। देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अति महत्वपूर्ण मुद्दे अर्थात आरक्षण की तरफ दिलाना चाहती हूँ, जिसकी वजह से इन वर्गों के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में कुछ हद तक आगे बढ़ने का मौका मिला है और ये देन सही मायने में किसी और की नहीं है बल्कि ये देन भारतीय संविधान के निर्माता वे इन वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। माननीय सभापति जी, मैं आपको आपके माध्यम से पूरे सदन को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अथक प्रयासों के कारण भारतीय संविधान में इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए जो आरक्षण की सुविधा मिली है तो ये सुविधा इन वर्गों के लोगों को पूरे तौर से मिल सके, इसका लाभ पूरे तौर से मिल सके तो इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के देहांत के बाद माननीय कांशीराम जी ने काफी कुछ संघर्ष किया। राजनीति में आने से पहले बांसब के माध्यम से इसके लिए माननीय कांशीराम जी ने काफी संघर्ष किया, लेकिन दुख की बात यह है कि इन वर्गों के आरक्षण को शुरू से ही अपने देश में जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग किसी न किसी रूप में इसे निष्प्रभावी बनाने व इसके साथ ही इसका लाभ इन वर्गों के लोगों को कम से कम मिले इसकी कोशिश में लगे रहे और इसके अनेकों उदाहरण हमारे सामने हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि इन वर्गों के आरक्षण को लेकर किसी न किसी मामले में समय समय पर छोटी बड़ी अदालतों द्वारा भी कुछ ऐसे निर्णय आते रहे हैं जिसके कारण इनका कई मामलों में आरक्षण प्रभावित हुआ है और फिर मजबूरी में उन मामलों को लेकर केंद्र की सरकार को समय समय पर संविधान में संशोधन भी करने पड़े हैं, जिसके तहत ही दिनांक 16 नवंबर 1992 को इंदिरा साहनी केस के आए निर्णय के उपरांत केंद्र सरकार द्वारा संविधान में 77वें तथा 85वें संशोधन लाकर अनुच्छेद 16(4)(a) व 4(b) जोड़कर ये प्रावधान किया गया था कि नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण एवं वरिष्ठता अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को मिलती रहेगी, लेकिन इस व्यवस्था को संविधान में स्पष्ट रूप से लाए जाने के बाद भी एम नागराज केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधानिक पीठ ने दिनांक 19/10/2006 को अपने निर्णय में ये व्यवस्था दे दी
कि इन वर्गों के लिए पदोन्नति में आरक्षण व वरिष्ठता का कोई भी कानून बनाने के पहले केंद्र सरकार व प्रदेशों की सरकारों को अनुमान्य आंकड़ों के तहत ये सुनिश्चित करना होगा कि एससी एसटी के कर्मचारियों का सेवा में उचित प्रतिनिधित्व है कि नहीं, उनका पिछड़ापन है कि नहीं, तथा इनकी पदोन्नति से संविधान के अनुच्छेद 335 के तहत प्रशासनिक कार्यों में दक्षता प्रभावित तो नहीं हो रही है। इस प्रकार इन तीनों मापदंडों के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के 77वें, 81वें व 85वें संवैधानिक संशोधन के जरिए अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पदोन्नति एवं वरिष्ठता में दिए गए अधिकारों को निष्प्रभावी बना दिया गया। और इतना ही नहीं बल्कि इसी एम नागराज केस के निर्णय को बाध्य मानते हुए पहले राजस्थान और अब इसी महीने 27 अप्रैल 2012 को उत्तर प्रदेश के मामले में भी इन वर्गों की पदोन्नति में आरक्षण तथा वरिष्ठता से संबंधित कानून को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक करार दे दिया। और अब आगे चलकर राजस्थान में उत्तर प्रदेश की ही तरह एम नागराज केस के निर्णय को बाध्य मानते हुए पूरे देश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सभी कर्मचारी जो आरक्षण के आधार पर पदोन्नति एवं वरिष्ठता पाए हुए हैं उनको अब अपने मूल पदों पर वापिस जाना पड़ेगा, जिसके बहुत ही खराब दूरगामी परिणाम होंगे। माननीय सभापति जी, अब इसलिए अब ये अत्यंत आवश्यक हो गया है कि केंद्र सरकार संसद के इसी सत्र में संविधान में पुनः संशोधन लाते हुए एम नागराज सूरजभान मीना बनाम राजस्थान सरकार और अब उत्तर प्रदेश से संबंधित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 27/4/2012 में दी गई व्यवस्था को निष्प्रभावी बनाते हुए तथा संविधान में लाए गए 77वें, 81वें, 92वें एवं 85वें संशोधन, जिनके तहत अनुच्छेद 16 व 355 में संशोधन लाया गया था, उनकी मंशा व नियत को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए पुनः उचित संशोधन लाकर इसे इसी सत्र में जरूर पारित कराया जाए। लेकिन इसके साथ साथ मेरा केंद्र सरकार से ये भी आग्रह है कि देश में एससी एसटी वर्गों के आरक्षण को लेकर किसी भी मामले में किसी न किसी स्तर पर अक्सर कोई ना कोई समस्या खड़ी कर दी जाती है, जिससे इनका आरक्षण प्रभावित होता है। इसलिए इन वर्गों के समूचे आरक्षण को जल्दी से जल्दी संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार आवश्यक ठोस कदम जरूर उठाए। किंतु इससे पहले केंद्र सरकार इनके आरक्षण के हर पहलू को विभिन्न स्तर पर जरूर दिखवा ले, अर्थात इनके आरक्षण को लेकर किसी भी मामले में यदि कोई कमी है तो उसे पहले जरूर दूर कर लिया जाए। थैंक यू। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ, इस संदर्भ में यदि सरकार को हमारे सहयोग की जरूरत पड़ती है इस मामले में तो हमारी पार्टी आपको जरूर मदद करेगी। और इसके साथ ही हम मैं नेता विरोधी दल तथा अन्य सभी पार्टियों के सम्मानित नेताओं से भी ये अनुरोध करती हूँ कि वे इस कार्य को पूरा करवाने में अपनी पार्टी का पूरा पूरा सहयोग दें। और इसके साथ ही क्योंकि ये मामला काफ़ी संवेदनशील है, महत्वपूर्ण है, तो मैं सरकार से ये भी अपील करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर तो आप एक दिन कुछ घंटे किसी ना कोई कोई ना कोई दिन तय करके आप कुछ घंटे निश्चित कर ले, इसके ऊपर आप लोग चर्चा कराएं, तो ताकि हर दल का नेता तो इस मामले के ऊपर अपनी बात रख सकें
और हमारी पार्टी भी, तो जो तीन मापदंड रखे गए हैं उसको डिटेल में माननीय सदन के सामने रख सके। अंत में माननीय सभापति जी, मैंने एससी एसटी के आरक्षण को लेकर जिन मामलों में सरकार का ध्यान आकर्षित कराया है, तो उस पर हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से उनका स्टैंड जरूर जानना चाहती है। और इसमें माननीय सभापति जी, मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ कि आप गवर्नमेंट को निर्देशित करें कि ये जो महत्वपूर्ण संवेदनशील मामला मैंने माननीय सदन के सामने रखा है, इस पर सरकार का फिलहाल अभी क्या स्टैंड है, तो वो जरूर माननीय सदन के सामने रखें। और अब अंत में मैं और अपनी ज़्यादा बात ना रखते हुए इस संदर्भ में, तो माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया और हाउस में सभी सम्मानित नेताओं ने भी, जो विभिन्न दलों के नेता, उन्होंने भी इसमें मुझे कोऑपरेट किया है मेरी बात को रखने के लिए। और ख़ास तौर से माननीय सभापति जी, आपने हमारे आग्रह को माना और क्वेश्चन आवर कुछ समय के लिए आपने रोक कर, तो इस देश के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं जिनका आरक्षण प्रभावित हो रहा है, उनकी बात को आपने यहाँ हाउस में मुझे रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद। The government is agreeable to a discussion, sir. Whenever you feel convenient, after a notice is received, you may fix a date for discussion of this. आप नोटिस दे दीजिए। हम नोटिस दे देते हैं। We will work के लिए रख लें इसको, इन अर्जेंट मैटर, इसलिए परसों के लिए रखें। हम नोटिस दे। आप नोटिस दे दीजिए। Thank you. Question 341.